ग्वालियर में फौजी ने पत्नी को फोन पर दिया तलाक। निकाह के 3 साल बाद पता लगा पति पहले से है शादीशुदा। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने जांच की शुरू। जबलपुर में पत्नी से झगड़कर नर्मदा में कूदा इंजीनियर पति। जबलपुर में रहकर करता था जॉब, भाई को कॉल कर लगाई छलांग, रेस्क्यू उचारी। इंदौरी प्रोफेसर का अनोखा आइडिया, ऐसा पंखा बनाया जो फांसी लगाने से है रुकता। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद हुआ तैयार। भोपाल में पानी के लिए रुका सीएम का काफिला। नेहरू नगर में खड़े थे लोग, शिवराज ने रुकवाई गाड़ी। मौके से ही कमिश्नर से मोबाइल पर पानी समस्या को दूर करने की बात। भोपाल से ग्वालियर पहुंचे प्रद्युमन सिंह लग्जरी कार छोड़कर, ई रिक्शा से पहुंचे घर, लोग पहचान नहीं पाए। सागर में सुभाष नगर बाड स्थित संतोषपुरा में इकलौती बेटी प्रतीक्षा अहरवार ने रोड एक्सीडेंट में मृत अपने पिता बबलू अहरवार को दी मुखाग्नि। उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ दर्शन करने पहुंचे पर्यटकों को जंगल में एक अलग नजारा मिला देखने। जैसे ही एक कौआ बाघ के ऊपर से निकला, सहम गया बाघ, कौए ने बाघ को छेड़ा, लगा कौए से डर गए बनराज। सागर में बहुजन समाज पार्टी ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग को नगरीय निकाय एवं पंचायती चुनाव में आरक्षण लागू करने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को सौंपा ज्ञापन। साथ ही ज्ञापन कार्यक्रम के बाद जिला कार्यालय सदर बाजार में बैठक हुई आयोजित। सागर में जन आवाज मंच और किसान संघर्ष समिति किसान संघ जन शक्ति यूनियन ने गेहूं की फसल पर निर्यात पर रोक लगाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। जन शक्ति यूनियन द्वारा आज हमने प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है उसके तहत आज हमने ज्ञापन दिया है। हमने मांग करी है कि चूंकि जिस समय ये राशि स्वीकृत हुई थी उस समय 2015-16 में महंगाई जो है आज की तुलना में आधी थी, तो इसकी राशि दोगुनी करी जाए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि मंत्री मध्य प्रदेश सरकार कमल पटेल जी को, चूंकि ये जो गेहूं निर्यात पर इन्होंने अल्प रोक लगाई है वो गलत है। एक ही दिन में किसानों के भाव सर्वती गेहूं के 3,100 से घटकर 2,500 रुपये हो गए हैं। प्रति किसान को प्रति बोरे पर 600 रुपये का घाटा है, जो मोदी सरकार ने अपने कुछ चुनिंदा मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, 4 कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए अल्प निर्यात पर रोक लगाई है। और हम किसान चाहते हैं कि ये रोक पूर्णतः रोकी जाए, क्योंकि भारत देश में पूरे में गेहूं के रेट घट गए हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय। सागर जिले के राहतगढ़ में सूत्रों के अनुसार पूर्व विधायक पंडित अरुण चौबे की अमित शाह के साथ दिल्ली में बैठक हुई। संपत्ति